A4। A4। अच्छा पार्ट टू का है तो A4 तो C1 बताना है। हाँ सर, हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास में C1। अ मेटल रॉड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज बीइंग हीटेड। मान लो ये मेटल रॉड है, इस तरह से इज बीइंग हीटेड एट वन एंड, है ना। यहां से हीट दे रहे हम लोग, यहां से हीट जा रहा होगा। एट वन टाइम द टेम्परेचर ग्रेडियंट दिया हुआ है। अच्छा यहाँ का टेम्परेचर ग्रेडियंट दिया है तो dT by dx होगा ना, dT by dx। ये एंड ए तो यहाँ का दिया है इसने 5°C/cm है। एट क्रॉस सेक्शन ए एंड बी, बी पर दिया है इसने dT by dx बी, ये 2.6°C/cm। कैलकुलेट द रेट एट विच द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग इन द पार्ट ए बी ऑफ द रॉड। अब इसमें है ना, तो ये तो सीधा सा हो गया। देखो यहां से dQ1/dT हीट आ रहा है, यहाँ से dQ2/dT हीट जा रहा है ना। तो यहाँ से आ रहा है लेकिन ये एब्जॉर्ब भी कर रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, dQ1/dT इक्वल टू dQ/dT एब्जॉर्ब कर रहा है और ये यहाँ से dQ2/dT हीट को बाहर जाने दे रहा है। तो dQ1/dT को क्या लिखोगे आप, KA into dT by dxA इक्वल टू, इसको लिखोगे MS dT by dT प्लस इसको लिखोगे KA, है ना, dT by dx at B। सॉल्व कर लोगे आप। तो पूछ रहा है कि कैलकुलेट द रेट, यानी dT by dT पूछ रहा हो, इसको उधर ले जाओ लेफ्ट में, सॉल्व कर लो, सब दिया हुआ है। सर इसमें मास शायद नहीं दिया ना, दिया ना हीट कैपेसिटी दिया ना उसने, मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया ना। हाँ ठीक है, फरमाया इसने अपने को क्या दिया हुआ है, मास इक्वल टू 0.4 जूल पर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। ओके ठीक है ना। हाँ सर, ये हो गया। और कौन सा बताएंगे, D4 D3। अच्छा D4 D5 D6 पता नहीं। The temperature of hot liquid in a container of negligible heat capacity falls at the rate of 3 Kelvin per minute due to heat emission to the surrounding. अच्छा तो मान लो जैसे कि कंटेनर है, इसमें लिक्विड है और हीट कैपेसिटी फॉल्स
temperature of hot liquid in a container of negligible heat capacity falls at the rate of this one. यानी dT by dT ये अपने को 3 केल्विन पर मिनट दिया हुआ है. ड्यू टू हीट एमिशन टू द सराउंडिंग जस्ट बिफोर इट बिगिंस टू सॉलिडिफाई, ठीक है, द टेम्परेचर देन रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर 30 मिनट. जब ये सॉलिडिफाई हो रहा है तो ये कह रहा है कि टेम्परेचर इसका चेंज नहीं कर रहा है. Temperature then remains constant for 30 minutes. By the time the liquid has all solidified, find the ratio of specific heat capacity of liquid to specific latent heat of fusion. बताना है. तो ये नहीं होगा कि MS dT by dT इस रेट से हीट ये रेडिएट कर रहा है और ये कन्वर्ट हो रहा है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ लिक्विड टू तो जाएगा LF dm by dT. ये हो जाएगा हमारे पास में, यानी इस रेट से हीट ये दे रहा है, है ना, तो ये यानी इतनी हीट ये रिलीज कर रहा होगा इस रेट से, तो हमारे पास आ जाएगा मिनट में ना, तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो आप, तो 3/60 केल्विन पर सेकंड. तो हमें क्या चाहिए, हीट कैप फाइंड द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S/L. और टेम्परेचर चेंज कर नहीं रहा है. dT by dT तो 3 दिया है और dT 30 दिया है हम लोगों को. लेकिन यह मास पे है ना, इधर है यह मास पे ही लोड है. Find the ratio of specific heat capacity of liquid to its क्योंकि ये इस रेट से हीट रिलीज कर रहा है. तो आप कह रहे हो कि सर ये तो अपने को दे रखा है 3/60 नेगलिजिबल हीट मास, तो उससे कुछ नहीं होगा ना हीट कैपेसिटी. लिक्विड का तो दिया हुआ है. इसको करना क्या है, सर वो लिखा है कि लिक्विड पूरा सॉलिडिफाइड हो रहा है, मतलब मास तो सेम रहेगा ना फिर लास्ट में. हाँ ये तो सही है. फिर डीएम ने पूरा लिख देंगे ना फिर. सर जैसे ये लिखा उसी तरह ml के फॉर्म में भी लिखते हैं और फिर दोनों को डिवाइड कर देते हैं ms / ml. सर जैसे आपने लिखा है उससे आंसर तो सही आ रहा है, मगर हमने रेट को इक्वेट क्यों किया, दोनों की रेट ऑफ हीट एमिशन को इक्वल क्यों बोला?
क्योंकि ये देखो ना, ये इस रेट से हीट रिलीज कर रहा है ना वहां से, इस रेट से जो कि कांस्टेंट है ये, तो ये लिक्विड क्या हो रहा है, सोलिडिफाई हो रहा ना, तो लिक्विड सोलिडिफाई हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जब सोलिड में कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड, तो वो हीट रिलीज जो कर रहा है वही तो हीट ये दे रहा है, तो दोनों इक्वल होंगे तभी ऐसा होगा ना। हाँ क्या कह रहे हैं आप, क्या करना है इसमें? डीएम की जगह अगर एम लिखेंगे तो फिर मतलब क्योंकि पूरा ही सॉलिडिफाइड हो रहा लिखा है क्वेश्चन में, तो मैं वो सोच के ही किया था। हाँ पूरा ही हो रहा है, तो एक काम और कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पूरा ही हो रहा है तो इतने हीट, हाँ बिल्कुल है पूरा तो हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास पर सेकंड है, तो एम एस है ना, और ये तो कॉन्स्टेंट ही है, तो ये कितना है 3/60 इंटू टी करेंगे ना यहाँ, और ये इक्वल टू एम एल एफ करेंगे, तो एम से तो एम कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि पूरा सोलिडिफाई हो रहा, तो सिंपल सी बात है कि पूरा इतना हीट इसको चाहिए चाहिए, और टी टाइम में क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इतनी हीट ये रिलीज करेगा, तो हमें चाहिए एस बाई एल एफ। अच्छा आ गया इससे, यहाँ तो 60/3 इंटू टी, टी कितना है यहाँ 30/60, तो 30/60 यानी 1/90 है। ये समझ में आया क्यों लिखा मैंने ऐसा? सर रेट का इक्वेट कैसे किया वो नहीं समझ आ रहा है अब तक। भाई उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द टेम्परेचर ऑफ हॉट लिक्विड इन अ कंटेनर ऑफ नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी फॉल्स एट द रेट ऑफ दिस वन दिया हुआ है ना, तो अगर इस रेट से अगर फॉल हो रहा है, इसका मतलब वो पर सेकंड इतनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, इतनी हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है, हाँ। तो वो हीट एनर्जी आ कहाँ से रही? इसका मतलब जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, जब इसका मतलब वो है जैसे 0°C पर आइस है, सॉरी 0°C पर वाटर पे, अगर वो 0°C आइस में कन्वर्ट होगा तो वो क्या करता है, हीट रिलीज करता है ना, तो दोनों हीट क्या होगी, इक्वल होगी ना, मतलब दोनों की जो रेट है वो इक्वल होना चाहिए। सर पर जो 3 केल्विन पर मिनट जो कर रहा है वो पहले कर रहा है ना, मतलब उसके बाद फिर जब वो हो जा रहा है उसके बाद फिर सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगा ना। हाँ तो बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये बताओ कि जो लिक्विडिफिकेशन हो रहा है तो इसका मतलब हीट आ रही है ना, उसको हीट मिल रही है ना, इसका मतलब वो MS/dT/dT रेट से हीट ही रिलीज कर रहा होगा ना जस्ट। भाई ये तो जस्ट जब सॉलिडिफाई हुआ तब की DT/dT दिया, तो इसका मतलब उसकी जो हीट रिलीज करने की जो रेट है वो तो फिक्स हो गई ना भाई, DT/dT बिफोर सॉलिडिफाई। और क्या था सर, ऐसा बोल सकते हैं क्या कि किसी भी कोई भी बॉडी अगर हीट रिलीज कर रही है तो थ्रू आउट द हर प्रोसेस, मतलब सॉलिडिफाई होने का प्रोसेस और टेम्परेचर कम होने का प्रोसेस, थ्रू आउट रेट सेम ही रहेगा? नहीं हर समय ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर DT/dT कांस्टेंट है तो हाँ तब तो आई रहा, तब तो होगा बिल्कुल। DT/dT जब कांस्टेंट है तो ठीक है। सर आपने वो मतलब क्यों समझाया वो मेरे को समझा नहीं, वो वापस बताइए ना एक बार। मैं कह रहा हूँ LF into DM/dT इससे क्या मतलब कह रहे हैं हम लोग? ये तो रेट है ना इसकी, इस रेट से हीट रिलीज करेगा जब भी, ऐसे समझो कि 0°C पर वाटर है और 0°C वाटर में आइस में कन्वर्ट हो रहा है, और हम लोग उसको मान लो वो मान लो हीट रिलीज कर रहा है, ठीक है हीट रिलीज कर रहा है, तो वो जिस रेट से हीट रिलीज कर रहा है वो रेट है ये जो लिखा है ना, ये जिस रेट से वो हीट रिलीज कर रहा है वो रेट है ये, ऐसे समझो अगर 0°C पर आइस है उसको 0°C वाटर में कन्वर्ट करना है, तो हम जिस रेट से हीट वहां सप्लाई कर रहे हैं क्यू, वो दरअसल LF/dm/dt है, तो यहाँ जो रेट है ना ये कांस्टेंट है इस केस में,
मतलब ये इसकी नहीं कह रहा हूँ मैं तो ऐसे बोल दिया इस केस में, क्योंकि ये रेट कांस्टेंट है इसकी, इस रेट से वो हीट क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, तो वो आ कहाँ से रही, इसका मतलब जो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा तो वहां से वो हीट मिल रही है उसको, तो ये कांस्टेंट है, ठीक है। हाँ सर। और अपने को तो पूरा का पूरा आइस जो है ना, सॉरी मतलब पूरा का पूरा लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो तब हमें इतनी एनर्जी चाहिए होती है ना उसके लिए, तो उसका मैंने MS/dT, dT/dT कांस्टेंट है, उसको T से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, यानी इतनी T टाइम में इतनी हीट ये रिलीज करेगा, वो कहाँ से आएगी, जो लिक्विड कन्वर्ट हुआ सॉलिड में, वहीं से तो आएगी। और कौन सा D4 हो गया, D5, D6 अच्छा लिख लिया, नहीं तो D5 The earth receives at its surface radiation from the sun at the rate of this one. अच्छा ये चीजें चलो करते हैं, दिक्कत नहीं, देखो हो क्या रहा है, सन है और यहाँ अर्थ होगा, इसकी पावर पी है, ये आर है, यहाँ इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, तो पी बाई 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगी, आई अपने को दे रखा है, डिस्टेंस अपने को दे रखा है, तो है ना, एंड द रेडियस ऑफ द सन भी दिया हुआ है, ट्रीटिंग द सन एज अ ब्लैक बॉडी कैलकुलेट टेम्परेचर, तो पी क्या होगा उसका, पी क्या है दरअसल, ये dQ/dT इस रेट से हीट दे रहा है वो, तो ये E A σT^4, लेकिन ये E की वैल्यू तो 1 है, तुम्हारे पास आ गया P = I 4 pi r² = A σT^4, सॉल्व कर लो, जहाँ A क्या है इसका सरफेस एरिया, किसका, सन का, तो वो क्या लिखेंगे 4 pi r² r मतलब ये इसके रेडियस है सन की, और स्मॉल आर क्या है, ये डिस्टेंस है दोनों के बीच की, तो वो भी दिया है इसने, रेडियस ऑफ द सन दिया है, यानी R = 7 × 10^8 है, और स्मॉल आर भी अपने को दिया है 1.5 × 10^11 है, बाकी सब दिया हुआ है, सॉल्व कर लो, ठीक है ना, तो ऐसे करना है। इसी को सोलर कांस्टेंट भी बोलते हैं, जो इंटेंसिटी की बात कर रही ना, ये दरअसल सोलर कांस्टेंट है, फिर क्या से क्लियर हो गया होगा एक पॉइंट है ना। हाँ सर। नेक्स्ट लिख लिया, हाँ सर। सॉलिड कॉपर स्फीयर अपने को दिया हुआ है ऐसा, रेडियस पता है, स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है और डेंसिटी दिया हुआ है, इसका टेम्परेचर है T = 200 केल्विन, यानी T इनिशियल दिया हुआ है, सस्पेंडेड है, यहाँ मतलब रखा चेंबर के अंदर ऐसे रखा है, सस्पेंडेड है, हूज वॉल्स आर एट ऑलमोस्ट 0 केल्विन, इसका मतलब सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो 0 है, कहने का मतलब ये, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द टेम्परेचर ऑफ द स्फीयर टू ड्रॉप टू 100 केल्विन, तो मतलब ये हमारे पास में कॉन्सेप्ट है, MS dT/dT
इक्वल टू क्या था, ई ए सिग्मा टी टू पावर फोर, क्योंकि टी नॉट तो जीरो ही है, किसी जनरल टाइम टी की मैं बात करूं तो टी टेम्परेचर हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस डी टी बाई टी टू पावर फोर, ई तो वन है, ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट करना है बोला है उसने, ई तो वन हो जाएगा, और ये ए सिग्मा डी टी, इसको इंडिकेट करेंगे टेम्परेचर कहाँ से कहाँ जा रहा है, हंड्रेड यानी 200 से 100 सब केल्विन में ही है, और जीरो से टी, क्या पूछ रहा आपने, से टाइम पूछ रहा है ना, तो आ जाएगा माइनस कितना होगा टी टू पावर माइनस थ्री है ना डिवाइड बाय माइनस थ्री, सही है, 200 इक्वल टू ये क्या होगा दरअसल 4πr² एक मिनट ये कहाँ गया, ये तो यहाँ आ जाएगा ना एम एस सिग्मा ये टी डिवाइडेड बाई 4π3πr³ इंटू एस, एस की जगह इसने सी दिया हुआ है अपने को ना, सॉल्व कर लो उसमें क्या कर लोगे, हाँ सर आ जाएगा, आ जाएगा ना, ऐसे करना और क्या है, बस ये चलो पार्ट टू के दो ही क्वेश्चन है क्या, ए फोर और ए टू, वो भी ए फोर ही है, ए टू पार्ट टू नहीं हुआ इसका, नहीं हुआ कर लो यार पार्ट टू, इसका पार्ट टू करके अब इसमें क्या है, इसका पार्ट टू और केटीजी थर्मो का एक्सरसाइज टू वो करूंगा, उसका पार्ट वन और पार्ट टू दोनों तो फ्राइडे को ही है ना क्लास, एक और क्लास है ना, हाँ फ्राइडे को, और इसका भी एक्सरसाइज थ्री भी करना है अपने को, तो एक काम करो इसका पार्ट टू कर लो, एक्सरसाइज वन का पार्ट टू, इसका एक्सरसाइज थ्री का पार्ट वन, और एक्सरसाइज टू जो है केटीजी थर्मो का उसका पार्ट वन है ना, ये कर लो ठीक है सर, चले तो टाइम भी मिल जाएगा आपको होमवर्क करने का, इसका तो रिवाइज करो, होमवर्क करो, समझो फॉर्मूले सारे अच्छे से तैयार करो और क्या है, चलिए फिर ठीक है आज इतना ही है ना, थैंक यू सर, ओके बाय बाय, थैंक यू सर, ओके बाय सर।